Reaction Reels. वेलकम टू रिएक्शन रील्स, दिस इज सहर, दिस इज नाहिर। तो सो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो होने जा रही है फिर से एक सिटी का टूर है इंडिया के, और सिटी का नाम है नवी मुंबई। कुछ इसमें उर्दू और कुछ इसमें जो है पंजाबी वर्ड नवी यूज़ हुआ है, इसका मुझे नहीं पता इसका क्या लॉजिक है। तो सो गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नवी मुंबई कैसी है और क्या है इस सिटी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो सो गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नवी मुंबई की। भारत के पूर्वी तट पर बसा महाराष्ट्र का एक प्लांट सिटी, ये सिटी मुंबई से अलग नहीं है और कोंकण डिवीजन के अंदर आता है। नवी मुंबई को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ नवी मुंबई और साउथ नवी मुंबई। ये शहर समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर 108 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की आज़ादी के 15 साल बाद ही मुंबई की जनसंख्या में 29 लाख की बढ़ोतरी देखी गई। मुंबई एक तटीय शहर है जिसके पास आज भी लिमिटेड जमीन मौजूद है। ये शहर अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ती जनसंख्या को संभाल नहीं पा रहा था, जिस वजह से इसके पास ही नवी मुंबई नाम से काउंटर मैग्नेट सिटी बनाया गया। आज ये सुनियोजित शहर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर और एंटरटेनमेंट के ऑप्शन से भरा हुआ है। इसके अलावा इस शहर को प्रकृति के करीब रखने के लिए इसमें ढेर सारे पार्क, तालाब, झील और फॉरेस्ट एरिया भी छोड़े गए हैं। नवी मुंबई रहने के लिहाज से काफी सुंदर और नेचर फ्रेंडली रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर वाला शहर है। नवी मुंबई में MH 43 और 46 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। ये दोनों व्हीकल रजिस्ट्रेशन थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट RTO में रजिस्टर किए जाते हैं। नवी मुंबई में वैसे तो दुनिया भर और देश के अलग अलग कोनों से आए लोग रहते हैं, फिर भी मराठी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ करीब 11,20,000 लोग खुशी खुशी रहते हैं, जिनमें 6,10,000 पुरुष और 5,10,000 महिलाएं रहती हैं। नवी मुंबई काफी डेवलप्ड एरिया है जहाँ 89.62% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर 1,000 पुरुषों पर 837 महिलाएं पाई जाती हैं। मुंबई में मनोरंजन के ढेर सारे साधन मौजूद हैं। उनमें से कुछ जगहों के बारे में हम आगे अपनी वीडियो में बता रहे हैं। पहले नंबर पर आता है पांडवकाड़ा वाटरफॉल। पांडवकाड़ा वाटरफॉल खारगर के पास मौजूद एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है जो लगभग 107 मीटर ऊंचा है। यहाँ भारी मात्रा में पानी को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पांडवों ने स्नान किया था, जिसके कारण इस जगह का नाम पांडवकाड़ा वाटरफॉल पड़ा। अपने इस इतिहास के कारण ये वाटरफॉल ट्रैकर्स और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। अगला है करनाला बर्ड सेंचुरी। करनाला पक्षी अभयारण्य मुंबई पुणे राजमार्ग पर मौजूद है और 500 वर्ग किलोमीटर तक हरी भरी भूमि पर फैला हुआ है। सुखद जलवायु के कारण प्रवासी पक्षियों के लिए ठहरने वाली जगह है और 150 से अधिक प्रकार के प्रवासी पक्षियों का घर भी है। इस सेंचुरी में करनाला किला भी मौजूद है जो लोगों के बीच एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। अगला है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन नवी मुंबई में मनोरंजन के लिए बनाया गया है। टॉय ट्रेन इस गार्डन का प्रमुख आकर्षण है जो बच्चों को बेहद पसंद आता है, क्योंकि यहाँ दो पार्क हैं। पहले पार्क में आपको कई मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी और दूसरा पार्क फूलों से घिरा हुआ है। अगला है वंडर पार्क इन मुंबई। मुंबई में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा मनोरंजन पार्कों में से एक वंडर पार्क है। आप यहाँ 7 अजूबों के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, साथ ही यहाँ बच्चों के लिए काफी कुछ मौजूद है। अगला है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। यहाँ भगवान नटराज, योगेश्वर और सदाशिव के हिंदू देवी देवताओं की समर्पित मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान सदाशिव सबसे प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लोर YRS को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।
सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो नवी मुंबई के बारे में। नवी मुंबई जो है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं ही समझ रही थी कि ये मुंबई का ही मतलब के कोई पार्ट है जिसको नवी मुंबई का नाम दे दिया गया है, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का पता चला है कि ये जो है भारत के आज़ाद होने के तकरीबन 13 या 11 साल के बाद इन्होंने बताया कि ये शहर जो है बनाया गया था, एक प्लान्ड सिटी है और यहाँ पर काफ़ी आपको नेचुरल चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मैंने इसमें काफ़ी जो है चीज़ें देखी हैं, मतलब के मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि अभी भी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, सारा कुछ वैसा ही होगा जैसे मुंबई में या बाकी सिटीज़ हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे हट के लगा, काफ़ी नेचर के मुझे ये करीब लगा। और जो इसमें पार्क्स वगैरह दिखाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी जो है इंटरटेनमेंट का सामान है यहाँ पर। मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जो भारत की जो चीज़ें होती हैं, अक्सर आप एयरपोर्ट्स वगैरह देख लें या आप देख लें पार्क्स वगैरह कुछ भी देख लें, वहाँ पर आपको आर्ट जो है बहुत अच्छा मिल जाए। जैसे यहाँ पे पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुए उनके स्टेचूस वगैरह बनाए गए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मतलब भारत में जो है आर्ट से जो है मोहब्बत रखने वाले काफ़ी लोग हैं और आर्ट पे काफ़ी तवज्जा देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को देखा जाता है वहाँ पे, और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे खुद भी काफ़ी आर्ट से लगा हुआ है। और बाकी शहर की बात की जाए तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि इसको नवी मुंबई क्यों कहा गया है, इसको न्यू मुंबई नाम क्यों नहीं दिया गया। तो सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का रिएक्शन वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।